السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله الشَّدِيدُ العقاب قابل احترام ناظرين تفسير الأشر الاخير من القران الكريم سوره حشر كي ابتدائی آیات کا ترجمہ مختصر اور इस्लामी मीशत का एक शानदार क़ानून हम पिछले दर्स में बयान कर चुके हैं इब्तदाई आयात के अंदर अल्लाह रबुल्ज़त ने इस्लामी मीशत के बहुत खूबसूरत कवानी जहाँ बयान किए तो उन कवान के बाद फौरी तौर पर मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि वमा आताजू जो हुक्म जो तालीम जो दर्स तुम्हें अल्लाह का रसूल दे दे अल्लाह के रसूल जो तुम्हें सबक सिखा दें वो ले लो जिन चीज़ों को करने का हुक्म दे दें वो कर लो व मा मान हु फ़नता हूँ और जिन चीज़ों से अल्लाह का रसूल तुम्हें रोक दे मना कर दे उससे बाद आ जाओ उससे रुक जाओ व तकुल्ल और अल्लाह से डर जाओ इन अल्लाह शदीदुल्कब बेशक अल्लाह बहुत सख्त अज़ाब वाला है काबिल एहतराम नाजरीन अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की तिबा आपकी इताअत आपकी फरमाबरदारी एक मोमिन के लिए अशद ज़रूरी है वो मोमिन जो अल्लाह से जन्नत चाहता है जो अल्लाह की ऱा चाहता है जो अल्लाह से जहन्नम और उसके अजाब से पनाह चाहता है जो अल्लाह की कैद से आज़ादी चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आमना के लाल मोहम्मद रसूल सल वसम के नक्श कदम पर चले आपको अपना आइडियल बना ले आपके आपके उस हसना पर चलते हुए जिंदगी बसर करे तो फिर इन उसके लिए जन्नत की राहें आसान होती जाएंगी और जहन्नम से वो दूर होता जाएगा इर्शाद बारी ताला है फमन जुह जहा अन नार व उद खिल जन्नत फ़कद हकी कामयाब वही है जिसको जहन्नम से निजात मिल गई और जन्नत में उसको दाखिला नसीब हो गया तो जन्नत में दाखिला नसीब कैसे होगा जिंदगी कैसे गुजारें तो जन्नत तक पहुँच सकते हैं वो इस आयत में सोरा हशर की आयत नंबर सात में अल्लाह ने वजाहत कर दी कि जन्नत तक पहुँचना चाहते हो वमा आता कुमुर मसूल फाख़ुदु मेरे रसूल के दी हुई तालीमात परमल करो मेरे रसूल के दिए हुए तरीक़ों पर चलते रहो तो जन्नत तक पहुँच जाओगे वमा नहा को मान फानता हूँ और जिन चीज़ों से वो रोक दे उनसे रुक जाओ तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अनहादा सिराती मुस्तकीमन फेहू मेरा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है इस पर चलते रहो तो कामयाब हो जाओगे और इसके दाए और इसके बाएं तरफ जो रास्ते खुलते हैं उनकी तरफ मत मुड़ना बिल्कुल सीधे चलते रहो सुन्नत के मुताबिक अमल करते रहो तो जन्नत तक पहुँच जाओगे और अगर तुमने दाएं या बाए मुड़ने की कोशिश की तो दाए बाएं मुड़ने वाले हर रास्ते के ऊपर शैतान बैठा हुआ है या और वो उन रास्तों की तरफ बुला भी रहा है दावत भी दे रहा है उन रास्तों पर रंगीनियाँ भी बहुत हैं उन रास्तों पर जेबो जिनत भी बहुत है उन रास्तों पर, पर माइल करने वाले शौक़ दिलाने वाले चीज़ें बहुत हैं तरगीब दिलाने वाले अवामल बहुत सारे हैं लेकिन मोमिन को हुम है कि वो सीधा चलता जाए अगर वो सीधा चलता रहा अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता रहा तो जन्नत तक पहुँच जाए और जिसने अल्लाह के रसूल के रस्ते को छोड़ा अल्लाह के रसूल की तालीमत को छोड़ा आपके बताए हुए आइडियल रस्ते को छोड़कर दाए बाएँ मुड़ने की कोशिश की तो अल्लाह कहते हैं वह तक अल्लाह से डर जाओ इन अल्लाह शरीदुल्कब ये दाएँ बाएँ मुड़ने वाले अल्लाह के दर्दनाक अदाब से डर जाए सीधे रास्ते पर चलते रहें तो ये है वो सुन्नत ये है वो अल्लाह के रसूल का आइडियल और रसवा कि जिस पर चल कर इंसान जन्नत पा सकता है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई फरमाया कुल उम्मती यद अल जन्ना मेरे सारे उम्मती जन्नति हैं सहाबा कराम खुश हो गए लेकिन अल्लाह के रसुल्ला ने आगे कुछ इस दे दिया फरमाया मन अबा हाँ जो जन्नत में जाना ही ना चाहे तो उसकी मर्जी है अब सहाबा कराम परेशान हुए होंगे अर्ज की वबा या रसूल अल्लाह सल्ला जन्नत में जाने से इनकार कौन करेगा तो आपने फरमाया मन अनी दखल जन्ना जो मेरी इता करेगा मेरी फरमा बरदारी करेगा मेरे बताए हुए रस्ते पर चलेगा वो तो जाएगा जन्नत में वह मन अफानी फकद अबा तो जिसने मेरी ना फरमानी की गोया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया है तो इसलिए अल्लाह के रसूल वसल्लम के बताए हुए तरीके आपकी सुन्नत के, के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो यह जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता है और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा आपकी सुन्नत को बिल्लाह हकीर समझा दुनिया के मामलात हों या दीन के मामलात इबादत हों या मामलात और रिवाज हों या आदात हर चीज़ में अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम बेहतरीन आइडियल हैं लकद खानी रसूल उस वत अल्लाह रब् फरमाता है वो शख्स जो अल्लाह और आफ़रत के दिन पर ईमान रखता है उसके लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना और आइडियल है तो उस आइडियल तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला ही कामयाब है और इमाम अहमद रम्ह और इमाम मालिक र्ल इमाम मालिक रहम्ला कहा करते थे अस सुन्नत तो सफ़ी मन रखा न जा वो शख्स जो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो वो ऐसे है जैसे नू असलाम की कश्ती में सवार हो गया है और वो बच जाएगा वह तखल्लफ अनहा गर्क और जिसने इस कश्ती में सवार होने से इनकार किया वो डूब जाएगा वो गर्क हो जाएगा तो गोया जिंदगी में अगर बचना है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करना पड़ेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर क्यों अमल करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खैर खा आप जैसा मेहरबान आप जैसा रहीम आप जैसा मुशफिक और आप जैसा अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाला कोई और है नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के कितने खैर खा हैं अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी उम्मत की निजात के लिए कितनी तमन्ना रखते हैं आइए चंद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से चंद मिसालें आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिससे आपको एहसास होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निजात के लिए अपनी उम्मत की निजात के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते थे हर वक्त शौक़ रखते थे हती कि एक शख्स अगर आपकी मेहनत से आपकी मोहब्बत से आपकी दावत से जन्नत की तरफ जाता है तो अल्लाह के रसूल को वो बहुत महबूब है अल्लाह के नबीस एक एक उगती की निजात के लिए कोशिश करते थे मेहनत करते थे तकलीफ़ें उठाते थे सैदन अली रजी अल्लाह तुक को खैबर के मौके पर इस्लामी फ़ौज का सिपासलार बनाते हुए अता किया, हिदायत दी और जब सैदन अली रजी अल्लाह ने दुश्मन से लड़ने के लिए चलने लगे तो आखिरी बात यह भी की मिन ख़ैर कम्नाम अली जंग के लिए जा रहे हो लेकिन पहले उनको इस्लाम की दावत भी देना उनको जन्नत के रास्ते भी बतलाना अगर उनमें से एक शख्स भी तेरी दावत पर मुसलमान हो जाए राह रास्त पर आ जाए जहन्नम से के जन्नत के रास्ते पर चल पड़े तो तेरे लिए ऊंटों की मालिक नीमत से ये बहुत ये है आपका शौक ये है आपकी उम्मत से मोहब्बत उम्मत को निजात दिलाने के लिए आपकी तड़प आपने फरमाया मेरी उम्मीद मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग जलाई और पतंगे रोशनी समझ कर उसमें कूदने लगे और जान देने लगे तो मैं भी इसी तरह वो शख्स बेचारा उन परिंदों पतंगों को बचाने की कोशिश करता है कि ये आग है रोशनी नहीं है बच जाओ बच जाओ लेकिन पतंगे उछल उछल कर आग में जलते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी मिसाल भी ऐसी ही है कि मैं तुम्हारे पीछे कमर से पकड़ के खींच खींच के तुमको जहन्नम से बचाने की कोशिश करता हूँ इसकी मिसाल देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ रहे हैं पुरसोद लम्हा रिक्क़त अमेज़ तलावत अपने रब के साथ राजज की बातें मुनाजात अल्तजाएँ और तड़प और दुआएँ सब कुछ हो रहा था जब इस आयत पर पहुँचे इन तो अज़ब हम फ़ाइन न इबादुक व इन तकफ़िल्ल हम फ़ाक अन तज़ीज़ुल हकीम सैदनाईसलासलाम ने अपनी उम्म के बारे में कहा था कि अल्लाह अगर तो इनको अज़ाब देना चाहे तो तेरे ही बन्दे हैं अल्लाह अगर माफ़ कर दे तो तू बड़ा गाल बड़ा हमत वाला है इस आयत पर पहुँचे अपने भाई ईसा सलाम की दुआ याद आई आँखों से आंसू जारी हो गए और तड़प कर कहा अल्लाह उम्मती अल्लाह उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत को भी माफ़ कर दे अल्लाह मेरी उम्मत को भी माफ़ फरमा दे जब्राहल सलामाम फ़ौर पहुँचे आकर अर्ज़ की अल्लाह के रसूल अल्लाह अर्श वाले ने आपकी तड़प आपकी आंखों से आने वाले आंसू देखे वो पूछ रहा है हालांकि वो खुद जानने वाला है वो सबसे बढ़कर जानने वाला है लेकिन फिर भी जिब्राइल को भेजा कि मेरे महबूब से पूछ कर आओ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत को माफ़ कर दे जिब्राइल सलासलम वापस गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में जाकर रिपोर्ट पेश की और फिर वापस आकर रिपोर्ट दी अल्लाह के रसूल के महबूब अल्लाह रबुल इजत की तरफ से आपके लिए बिशारत है अल्लाह रबुल इजत फरमाते हैं, आप परेशान ना हों। इन्ना स नजी कफी उम्मत का वाला नास हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे आप परेशान ना हो ये तड़प है ये मोहब्बत है ये शफकत है ये उम्मत क्यों बचाने की एक खास कावश है उम्मत को जहनम से निकालने और जन्नत में पहुँचाने का शौक है इस नबी के बारे में इसके उस पर ना चलना कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी वो नबी रहमत सल्हसम जिनकी उम्मत ने मुतालबा किया कि आप हमारे लिए सफ़ा पहाड़ी को सोने की बनाएं तो हम आप पर ईमान ले आएंगे तो वो नबी जो एक एक बंदे को जन्नत में पहुँचाना चाहता है वो नबी रहमत जो एक एक कुरैशी को जहन्नम से निकालना चाहता है जब उनका यह मुतालबा सुना तो फौरन हाथ उठाए कि अल्लाह मेरे खानदान वाले मेरी बरदरी मेरे इलाके वाले मेरी उमती अल्लाह सफ़ा पहाड़ी को बतौरे मोजदा सोने की पहाड़ी चाहते हैं अल्लाह इसको सोने की बना दे अल्लाह रबुलज़त ने जब्राहिल को भेजा कि जाओ मेरे महबूब से कह दो अगर इनका मुतालबा यही है कि हम सफ़ा पहाड़ी को सोने का बना दें तो यह सोने की पहाड़ी बन जाएगी लेकिन अगर ये फिर अपने वादे से मुकर गए अगर ये फिर भी मान ना लाए अगर ये फिर भी मेरे नबी की तात ना करने पर मादा हुए मेरे नबी की तात ना की जहन्नम से बचने की कोशिश ना की मेरे नबी के कहने पर जन्नत की राह पर ना चले अज तो अजाबिन तो फिर मैं इन पर अजाब भी ऐसा दर्दनाक नाजल करूंगा कि आज तक किसी और कौम पर नाजल नहीं किया या फिर दूसरा ऑप्शन है आफ्तामत इनके लिए तोबा और रहमत का दरवाज़ा खोल देता हूँ तो रहमत आलम सल्लाम जो उम्मत की निजात चाहते हैं जो उम्मत को अज़ाब से बचाना चाहते हैं जो उम्मत को जन्नत में ले जाना चाहते हैं फ़ौर दूसरा ऑप्शन कबूल कर लिया फ़ौर हाथ उठाए और अल्लाह से सेल्तजा की बल बाबु तब रह अल्लाह मुझे सोने की पहाड़ी नहीं चाहिए मुझे सफ़ा पहाड़ी सोने की नहीं चाहिए मुझे तो अपनी उम्मत के लिए तोबा और राहमत का दरवाज़ा चाहिए ये नबी जो हमारे लिए इतना मुशफिक इतना मोहब्बत करने वाला इतना रहम दिल उसके उसवा को छोड़कर उसकी सुन्नत को छोड़कर उसकी इतवा ना करके इंसान कैसे कामयाब होगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि कोई ऐसा तरीका कोई ऐसा अमल कोई ऐसा इलाज नहीं है मा यु करब मिन विनार्लाकम हर वो इलाज हर वो अमल हर वो वजीफा हर वो इबादत जो तुम्हें जन्नत तक पहुँचाए वह मैंने तुम्हें बयान कर दी है और हर वो इलाज हर वो इबादत हर वो तरीका जो तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाए वो भी मैंने वजाहत कर दिया बच जाओ जहन्नम से दूर ले जाने वाले और जन्नत के करीब ले जाने वाले तमाम अमाल तमाम इबादत तमाम वज़ाय मैंने बता दिए। है तो अब जो शख्स अल्लाह के नबी स बताए वो तरीके को छोड़कर आपके बताए हुए इबादत के तरीके आपके बताए हुए वजाइफ को आपके बताए हुए औरत को छोड़कर मनमानिया करे अपने पास से बनाए लोगों के मन गर्त वजाइफ पर मन गर्त इबादत पर अमल करे उस जैसा बद नसीब कोई नहीं है अल्लाह हमें ऐसे बद नसीबों से महफूज फरमा अल्लाह का कुरान कहता है यऊ ही यकूल यासोली सबीला क्यामत का रोज होगा ऐसे बदनसीब जिन्होंने अपनी मनमानी की आमना के लाल को उसवा को छोड़ा आपकी सुनत को तर्क किया आपके रस्ते पर चलने को पसंद ना किया अपने पास से वजह गढ़े इबादत के तरीके अपने पास से निकाले रस्म और रवाज अपने पास से निकाल लिए और दीन के नाम पर चलते रहे तो क्यामत वाले दिन अपने हाथों पर दंधिया काटेंगे दांत काटेंगे पशेमानी निदामत शर्मसारी का इजहार करेंगे और कहेंगे काश मैंने अल्लाह के रसूल का साथ दिया होता काश मैं अल्लाह के रसूल के तरीके पर अमल किया होता काश मैं आपकी सुन्नत पर अमल कर लेता तो आज ये रसोई ना होती आज ये नजामत ना होती तो अल्लाह इज़्ज़त ऐसे लोगों को वार्निंग दे रहे हैं वह मैं रसूल बाद जहन्नमसातरा वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करें अल्लाह के रसूल के रस्ते पर चलने से रुक जाए दूसरे रस्ते इख्तियार कर लें और मोमनों की राय छोड़ दें अपनी राय जुदा से बना लें अपने पास से तरीके गाड़ लें तो अल्लाह कहते हैं ही मातवल्ला जिधर को वह जाना चाहे हम भी छोड़ देते हैं चलते जाओ वनुसली जहन्नम बिल आखिर उसको जहन्नम रसीद कर देंगे और वह बदतरीन ठिकाना है काबिल अहतराम नाजरीन अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल् की सुनत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना यह कामयाबी है यह कामरानी है और अल्लाह के रसूल सल्ला व् के बताए हुए तरीके छोड़ देना कोई इबादत ऐसी जो अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक ना हो वो काबिल कबूल नहीं होगी मामलात अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक ना हों वो बरकत से खाली हो जाएंगे अकीदा अल्लाह के रसूल के बताए हुए अकीदे के मुताबक ना हो आखरत की राख खोटी हो जाए और वो लोग जो मनमानी करते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्ला के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं चलते क्या का दिन होगा अल्लाह के रसूल सल्ला दुनिया में बता दिया अल्लाह के रसूल मौजूद हैं हजतल का मौका है आपने पूछा मेरे साहबा आयु यऊ मिन हाजा आज कौन सा दिन है साहबा कर राम हैरान हुए कि शायद आप नाम तब्दील करना चाह रहे हैं आपने फिर कहा क्या ये अरफा का दिन नहीं है फिर आपने पूछा मेरे साहबा आज महीना कौन सा है साहबा हैरान हुए कि शायद नाम तब्दील तो करने लगे आपने पूछा तुम किस शहर में खड़े हो साहबा कहने लगे शायद आप नाम तब्दील तो करने लगे हैं लेकिन आप मुतवज कर रहे थे कि तुम हुरमत वाले महीने में हरमत वाले शहर में और अल्लाह के यहां एक शानदार अजीम दिन में मौजूद हो यह सारी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लम ने तोज्जो दिलाई कि खबरदार अला व इन्नी फ़रात कुमार हौज मेरे साहबा हौज कोसर पर मैं तुम्हारा मेजबान हूँ तुम आओगे तो मैं वहाँ अपने दस्ते मुबारक से जाम बर भर कर पिलाने के लिए वहां मौजूद हूँ वह इन्नी उकाशिर बिकम और उस रोज़ मैं तुम्हारी कसरत पर तुम्हारी ज्यादा तादाद पर अपनी उम्मत पर फख्र करूंगा दूसरे नबियों के सामने के देखो मेरी उम्मत कितनी है लेकिन एक बहुत तड़पा देने वाला जुमला भी आपने बोला जिगर को पाश पाश कर देने वाला जुमला भी आपने बोला कि वो रोज जब सारे नबियों के सामने मैं अपनी उम्मत पर फख्र कर रहा हूंगा फला तो सवेद ही खबरदार उस दिन मुझे शर्मिंदा नहीं करना मुझे नादिम नहीं करना मुझे शर्मसार नहीं करना अल्लाह के रसूल आप कैसे शर्मिंदा होंगे तोल्ला के रसूल सल्लाम ने, सल्ला ने आगे वजह भी बयान कर दी फरमायानी मुस्तन के देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत आ रही है उनके हाथ पौचेरे वुधू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे जहाँ जहाँ वुदू का पानी लगता है सारे आजाद चमक रहे हैं मैं देख रहा हूँ मेरी उम्मत आ रही है और मैं पानी पिलाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और इतने में स्पेशल फोर्स डंडाबरदार फोर्स फरिश्तों की फोर्स आएगी और वो आठ बन के खड़ी हो जाएगी और उन लोगों को मेरे पास आने से रोक देगी अल्लाह के रसूल फरमाएंगे मेरे उम्मती मेरे उमती तो फरिश्ते कहेंगे नहीं ये तेरे उमती नहीं है अल्लाह के रसूल ये आपके वो नहीं है जिनको आप पलाना चाह रहे हैं फरमायानी मुस्तन के सुन। कुछ लोगों को तो मैं खींच के छुड़ा लूंगा वो अला इन्नी मुस्तन कासन लेकिन कुछ लोगों को मुझसे छीन के फरिश्ते ले जाएंगे और मैं कहता रह जाऊंगा कि मेरे उमती मेरे उमती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन का हुलिया बिगाड़ा अपनी मनमानियाँ की आपकी सुन्नत को तर्क कर दिया और अपने तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर की अपने तरीके के मुताबिक इन्होंने इबादत की अपने मनमाने अकायद इन्होंने इख्तियार किए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस दिन वो शर्मसारी वो नदाहमत लेकिन फिर अल्लाह के रसूल को गुस्सा भी आएगा फरमाएंगे सुह कन सुह कन लिमन गैर आबादी सुह कन सुह कन लिमन बदल आबादी अल्लाह के रसूल को जब बताया गया कि अल्लाह के रसूल इन्होंने आपके बाद आपकी सुन्नत को छोड़ दिया था सुन्नत में मिलावट कर दी थी आपके दिन का हुलिया ही बिगाड़ दिया था आपकी इतबा करने की बजाय ये बिजती हो गए थे तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे मैं भी कहूँगा सुह कन सुह कन लिमन गैर आबादी मेरे जाने के बाद जिन्होंने दीन को तब्दील कर दिया जिन्होंने मेरी सुनत को छोड़ दिया उनके लिए तबाही है बर्बादी है ले जाओ ले जाओ दूर कर दो इनको तो ये वो दिन है अगर अल्लाह के रसूल सल्लम को परेशानी होगी तो उम्मत के लिए भी शदीद नदामत शदीद शर्मिंदगी का मौका है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से फरिश्ते उनकी उम्मत को हटा के ले जाएंगे और उन लोगों को ले जाएंगे जो बिजती होंगे जो अल्लाह के रसूल के दीन को मिटाने वाले आपके दीन के खिलाफ चलने वाले आपकी सुनत का इनकार करने वाले होंगे तो वो लोग जो अल्लाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनत के मुताबिक आपकी इत्तबा और आपकी फरमा बरदारी में आपके एक एक हुक्म को देखकर जिंदगी गुजारते हैं उनका अंजाम क्या होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्यामत के रोज़ अहल जन्नत भी कुछ लोगों के महल्लात कुछ लोगों के घरों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम दुनिया में चांद के पास होने वाले एक सितारे को देखते हो गर्दने ऊपर उठा के इतने ऊँचे उनके महल्लात होंगे साहबा ने कहा अल्लाह के रसुल तिल का मनाजिल्बिया ये तो फिर नबियों के घर होंगे नबियों के मकान होंगे आपने फरमाया नहीं ये उम्मत के वो लोग होंगे अल्लादीन आमनु वद्दुलमरसलिन ये उन लोगों के घर होंगे जो ईमान लाए अपने रसूलों की तस्दीक की अपने रसूलों के नक्शे कदम पर चलते रहे अपने नबी के उ के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहे ये घर तो उनके होंगे वो घर जिन पर नबी भी रशक करेंगे जिनको देखकर नबी भी खुश होंगे कि कैसे शानदार महालत आ हुए हैं तो वो उनको मिलेंगे जो अपने नबी की सुनत के, के मुताबिक जिंदगी बसर करते रहे काबिल अहतराम नाजरीन आइए देखते हैं चांद मिसालें कि के रसूल सल्ला के सहाब कराम ने अपनी जिंदगी कैसे बसर की मेरे नबी के सहाबा के मामलात मेरे नबी के सहाबा की आदत मेरे नबी के सहाबा की इबादत किस तरह से होती थी आपके एक एक फरमान जो अल्लाह ने हुक्म दिया था व माँ आता कुमर रसूल फाख तो मेरे नबी के सहाबा ने उस पर कैसे अमल करके दिखाया व माँ नहा कुम अनहू फन तहु और जिन चीज से मेरा नबी रोक दे उससे रुक जाओ सहाबा के ने उससे रुक के कैसे दिखाया किस तरह से जिंदगी बसर की आइए चंद मिसालें देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे दें और साहबा कराम उसको सर आंखों पर ना रखें यह मुमकिन नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत अक़ायद और मामला जिस बारे में भी आप हुक्म दे, दे दें सहाबा फ़ौरी अमल कर लेते हैं सहाबी रसूल का नाम है रबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लि वह खादम बहुत चही थे तो आपने एक दिन पूछा मेरे रबिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते तो रबिया कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास शादी की अखराजात है। के अखराज नहीं हैं अल्लाह के रसूल मेरे पास इतने वसायल नहीं हैं कि मैं एक बीवी का ख़र्चा और उसके लिए रहाइश का बंदोबस्त कर सकूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लि फरमाया जाओ फ़लाँ कबीले में चले जाओ मेरा सलाम कहो और उनको कहो कि अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे दें तो हज़र बया गए कबीले वालों को जाकर सलाम किया और अल्लाह के रसूल का जब पैगाम पहुंचाया तो आगे कबीले वालों की तो ख़ुशियाँ दुबाला हो गई कहने लगे मर हबम बे रसूल अल्लाम व मर हबम बे रसूल रसूल अल्ला अल्लाह के रसूल को भी खुश आमदीद और अल्लाह के रसूल का जो पैग़ाम बर हादर हुआ है उसको भी खुश आमदीद कबीले वालों की तो ख़ुशी दुबाला हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने पैगाम भेजा है तो हज़र बिया कहते हैं फ अक्रामूनी व अलतफ़ूनी वजूनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर उन्होंने मेरी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और अपनी बेटी की शादी भी मेरे साथ कर दी ये हुक्म है मामलात में और अगर मामलात के अलावा हुक्म हो तो फिर क्या होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अगर अल्लाह की नेक बांदियाँ मस्जिद मस्ज़्य में जाकर नमाज़ पढ़ना चाहें तो मस्जिदों में जाने से ख़वातीन को मत रोको वो नमाज शाह हो व नम मगरब हो वो नुमा फजर हो वो वर्द सुनने के लिए जाना चाहें तो उनको जाने दो सईद अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान घर में बयान किया तो बेटा बिलाल आगे से कहने लगा वल्लाहि वाला अल्लाह की कसम हम तो उनको जरूर रोकेंगे क्यों रोकेंगे अबू जी अब हालात ऐसे नहीं रहे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर वाली बातें नहीं रहीं इसलिए हम रोकेंगे तो अबू जी को गुस्सा आ गया कहने लगे ओ हदीसू का अन रसूल अल्लाक वाला मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल का फरमान बयान कर रहा हूँ और तुम आगे से कहते हो कि हम उनको ज़रूर रोकेंगे वाला कलम का आबादा अल्लाह की कसम जब तक तोबा नहीं करोगे तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा तो अल्लाह सल्म के रसूल सल्लम के हुक्म पर सहाब कराम इस तरह फौरी अमल करते थे और अल्लाह के रसूल के फरमान से रू गर्दानी करने वालों को फौरी सजा भी देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से मना कर दें तो आगे साहबा ये नहीं पूछते थे क्यों कब कैसे फौरी अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुरमत की आखिरी आयत नाजुल हुई मदीना मरवरा में साहबा को पढ़कर सुनाई और ऐलान करने वाले ने मदीने की गलियों में ऐलान कर दिया कि लोगो अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हारे लिए शराब हराम कर दिया है रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं तलहा के घर बड़े बड़े सहाबक राम को शराब पिला रहा था जब यह ऐलान उनके कानों में पड़ा तो तला ने मुझे हुक्म दिया कि बेटा अनस उठो और ये मटके और ये जाम उठाकर बाहर गली में फेंक दो ऐलान करने वाले से ये नहीं पूछा कि कब हरमत नाजल हुई क्यों हुई कैसे हुई बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी जब सामने आ गया तो फौरन हर चीज़ उठाकर बाहर फेंक दी तो काबिल एहतराम यह था जज्बा ये थी वो रूह जो साहब क़राम में सरत कर चुकी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार आपके हुक्म पर आपके लिए जानसारी के जज्बात हर हर शख्स में हर हर साहबी में कूट कूट कर भरे हुए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद उनको जान से भी अजीज़ होती थी अल्लाह के नबी सल्ल वम ने एक सहबी को देखा कि सोने की अंगूठी पहन के आ गए हैं तो आपने फरमाया क्या हुआ तुम में से कोई शख्स जहन्नम का अंगारा हाथों में लिए फिरता है ना पसंद किया कि मर्द हजरात के लिए सोना जब हराम है तो ये क्यों पहनी है और आपने उसकी उंगली से ये अंगूठी उतार कर फेंक दी अल्लाह के रसूल वसल्लम की मजलस बर्खास्त हुई साथियों ने मशवरा दिया कि आप वो अंगूठी उठा लो घर वालों को दे दो बेच दो किसी काम आ जाएगी तो कहने लगे नहीं वो अंगूठी जिसको अल्लाह के रसूल सल्लिम ने मेरे हाथ से उतार कर फेंक दिया उसको मैं कभी उठा नहीं सकता हूँ काबिल अहतराम नाजरीन अल्लाह के रसूल सल असलम ने एक सहाबी को देखा कि उसकी तैबंद उसकी चादर टखड़ों से नीचे जा रही है आपने फरमाया इर्फ अज़हारक अपनी चादर टखड़ों से ऊपर रख लो क्योंकि मर्दों के लिए चादर शलवार पैंट टखड़ों से नीचे रखना जायज़ नहीं है उजर पेश किया कि अल्लाह के रसूल मेरे टखने थोड़े से टेढ़े हैं और अगर मैं चादर ऊपर करता हूँ तो वह आपस में टकराते हैं तो अल्लाह के रसूल सल असलम ने फरमाया ऊपर उठा लो क्योंकि अल्लाह की हर पैदा की हुई चीज़ खूबसूरत है अल्लाह ने तुम्हें जैसा भी बनाया है खूबसूरत बनाया है ये कोई उधर नहीं है तो सहाबी रसूल कहते हैं कि फिर उस शख्स की उस सहाबी की वो चादर जब तक वो जिंदा रहा हमने निसफ पिंडली से नीचे जाते हुए कभी भी नहीं देखी है तो ये है वो जज्बा अल्लाह के रसूल वसल्लम के फरामीन पर अमल करने का जिस काम से आप रोक दें दोबारा कभी वो हो नहीं सकता जिस काम के करने का हुक्म दे दें उससे कभी वो पीछे रह नहीं सकते अगर यही जज्बा होगा तो कामयाब होंगे और अगर ये जज्बा माँ पड़ गया इसको छोड़ दिया गया और दिगर राहों पर चलना शुरू कर दिया तो जन्नत की राह खोटी हो जाएगी अल्लाह का हुक्म है व माँ आता रसूल फ्फुदो जो चीज़ मेरा नबी दे दे जो मेरा रसूल हुक्म दे दे जो तालीम दे दे उसको ले लो उस पर अमल करना शुरू हो जाओ व माँ नहा कुमान हु और जिस चीज़ से जिस काम से जिस इबादत से रोक दे उससे रुक जाओ अपनी मनमानियां नहीं करो मेरे नबी के बताए हुए तरीके पर चलो और अल्लाह से डर जाओ वक् अपनी मनमानियां करने से अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करने से डर जाओ इन शदीदुल क़ाब बिला शुबा अल्लाह बड़ा सख्त अज़ाब वाला है काबिल एहतराम नाजरीन इन्हीं आयात में से एक और ख़ूबसूरत सबक इंशाल्लाह अगले दर्स में पेश करेंगे इजाज़त दीजिए السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة الله وبركاته